लेकिन रामेश्वर टूटी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। को देखते हुए हमें सबसे बड़ा हमारा समाज का तभी उत्थान और विकास हो सकता है जब हमारी कौम इति होते हुए राजनीति के अंदर जब हमारी कौम ने जो झंडा रोप दिया तो हमारे समाज का विकास होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं किसी की ये बात हो सकती है, ऋषपाल जी ने कहा भी हमें नंबर दो का जो है ना वो सीट चाहिए राजनीति का। अरे सुनो तो सही, हूं आगे काई कहूं था ना था। उन्होंने कहा कि नंबर दो की सीट चाहिए। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा 25% हिस्सा है, हमारी कौम का 25% हिस्सा। उस दो नंबर में ऋषपाल जी ने सोचा कि जाऊं तो चोर न झिंटा चौका है, लेकिन हमारे समाज का जो एक ठेठ ढाणी में आखिरी छोर का जो हमारा परिवार, वो हर वक्त उस बात पे सोचता है, चिंतन करता है कि हमारा राजनीति के अंदर नंबर वन सीट होनी चाहिए, नंबर वन। और वो नंबर वन सीट कौन सी है? क्योंकि राजनीति की आए थे और थोड़ा बहुत जो राजनीति का डर भी होता है, लेकिन रामेश्वर टूटी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग है। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी के अंदर हमारे जाट का एक एक युवा का, जाट का एक एक जो है हमारे परिवार और सरदार का, उस आजादी के अंदर साथ देने का काम हमारे जाट समाज ने किया है।